नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के केंटुकी राज्य समेत कई अन्य शहरों में आए बवंडर ने जान माल के भारी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल तक 80 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। जी हां, आपको बता दें कि मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है 100 के पार। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे इतिहास के सबसे बड़े तूफानी आउटब्रेक्स में से एक करार दिया है। प्रभावित राज्यों में इमारतें जमींदोज हो गई हैं और वहां समतल मैदान में पड़े मलबे जैसा दृश्य है। राहत और बचाव कर्मी फंसे प्रभावित लोगों को बाहर निकालने में लगे हैं। जहां बवंडर गुजर चुका है, वहां लोग मलबों में अपनों की तलाश कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, स्टॉर्म प्रेडिक्शन सेंटर के अनुसार 5 राज्यों आर्कासस, इलोक्नेस, केंटुकी, मिसौरी और टेनेसी में कम से कम 24 बवंडर की सूचना मिली थी। केंटुकी प्रांत में बवंडर ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, जहां 70 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है। ज्यादातर मौतें मोमबत्ती की एक फैक्ट्री में हुई। इलिनॉइस के एमेजॉन वेयरहाउस में भी कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। केंटुकी में जिस तरह नजर आ रही है, बस मलबा ही दिख रहा है। लोग नुकसान का आकलन करने में लगे हैं। गवर्नर एंडी बेशियर ने कहा कि केंटुकी में 200 मील से अधिक के क्षेत्र में चक्रवात आया और 10 या उससे अधिक काउंटी में मृतकों की संख्या 100 के पार आ सकती है। जी हां, आपको बता दें, मुहेनबर्ग काउंटी में कम से कम 10 लोगों के मरने की आशंका है तथा बाउलिंग ग्रीन शहर में और उसके आसपास भी अज्ञात संख्या में लोगों की मौत होने की आशंका है। बेशियर ने कहा, मुझे लगता है कि यह हमारे राज्य के इतिहास में सबसे विनाशकारी बवंडर है। बवंडर ने हर तरफ तबाही फैलाई है, इमारतें जमींदोज हो गई है। एडवाइसरी ने फुटबॉल के एक मैदान की दीवार गिर गई। शुक्रवार की देर रात और शनिवार की सुबह मिडवेस्ट और दक्षिण के कुछ हिस्सों में बवंडर आया। गुजरने के बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने की जद्दोजहद जारी है। जी हां, आपको बता दें, बवंडर के अलावा तेज हवाओं के चलने की भी आशंका है, जिसकी वजह से ओलावृष्टि में भी हो सकती है। वहीं बवंडर की वजह से 2.4 लाख लोगों को अंधेरे में रहने पर मजबूर होना पड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि पूर्वी अमेरिकी का अधिकांश भाग बारिश से प्रभावित होगा। जो बिडन ने कहा है लोगों से कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों की जान बचाने। स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन सेंटर के अनुसार ओहियो और टेनेसी घाटियों से उत्तरी खाड़ी राज्यों में तेज आंधी चल सकती है। इसके अलावा हवा के झोंके, ओले और एक और बवंडर की संभावना